नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत है। मैं उसी तरह दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताना चाहूँगा वीडियोकॉन डीटीएच में आपके ब्लैंक स्क्रीन हो जाती है तो फिर आपका चैनल वगैरह आपके कुछ भी नहीं हो पाता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके जो वीडियोकॉन डीटीएच की ब्लैंक स्क्रीन का जो सॉल्यूशन है वो आप घर बैठे आप खुद कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जैसे ही आप वीडियोकॉन डीटीएच का सेटअप बॉक्स चलाते हो तो आपके जो स्क्रीन है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, या तो जहां हाथी घोड़े आते हैं वहां रुक जाती है, या हाथी घोड़े आके जब आपका जब स्क्रीन पे जब चैनल आने लगते हैं उसके पहले ही आपका ब्लू स्क्रीन हो जाती है, यानी आपका चैनल वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे। तो जैसे मैंने स्क्रीन पे यहां बताया वैसे आप यहां देख लीजिए, इस तरह से आपका होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके जब सिग्नल वीक होते हैं या सिग्नल नहीं आते हैं तब ये कंडीशन होती है। आप ये कहोगे हमारा डिश एंटीने का सिग्नल प्रॉपर सही है लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो ब्लू स्क्रीन आ रही है वो है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर आपका कहते हो आपका जब सेट टॉप बॉक्स का जो सिग्नल है वो प्रॉपर तरीके से सही है, तो आप इसे एक काम कीजिए, सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले डिश एंटीने का सिग्नल मिलाइए, और डिश एंटीने का जो सिग्नल मिलाने का वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सिग्नल मिलाने का वीडियो आप देख लीजिए कि किस तरह से हम सिग्नल मिलाए जाते हैं। जब आपके सिग्नल यहाँ प्रॉपर तरीके से सेटअप हो जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, आपका सेटअप बॉक्स है मेनू का बटन दबाना है। मेनू का बटन दबाओगे तो आप सेटअप पर जाओगे। सेटअप पर जाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, एक चार नंबर पर फैक्ट्री रिसेट आएगा, फैक्ट्री रिसेट आपको दबाना है। जैसे ही आप फैक्ट्री रिसेट करोगे तो आपका जो सेटअप बॉक्स है बंद होकर चालू होगा और ऑटो स्कैन होगा। ऑटो स्कैन होगा तो यहाँ साइडों में कुछ ग्रीन कलर की पट्टियाँ वाइट कलर की पट्टियाँ चलती रहती है, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ इस जगह। तो यहाँ आपको सिग्नल चेक करने, जैसे ही अगर आपका सेटअप बॉक्स ऑटो स्कैन होता है चैनल स्कैन होने लगते हैं तो आपके यहाँ जो ग्रीन पट्टी आ रही है ये आपकी ग्रीन पट्टियाँ आनी चाहिए। अगर आपके यहाँ ग्रीन पट्टियाँ नहीं आए और ब्लैक ब्लैक आ जाए तो आप समझ लीजिए आपके डिश के सिग्नल नहीं आ रहे हैं, आप उस पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तक आपका डिश एंटीना सेटअप नहीं होगा तब तक आपकी ब्लू स्क्रीन या नो सिग्नल आपके आएगा। तो इस तरह से आप जब सेटअप बॉक्स को ऑटो स्कैन करोगे तो आपका सेटअप बॉक्स ही सब कुछ दिखा देगा, और अगर आपका सिग्नल प्रॉपर तरीके से सही है तो आपके चैनल पूरे स्कैन हो जाएंगे और पूरा सेटअप होकर आप उसको जैसे ही चैनल पूरे स्कैन होते तो ओके का बटन दबा के पूरा एग्जिट कर दीजिए तो आपके चैनल प्रॉपर चल जाएंगे। तो यह है दोस्तों ब्लू स्क्रीन आने का एक रीजन और एक कारण और इसका सॉल्यूशन। अगर आपका सिग्नल सेटअप नहीं है और आपने ऑटो स्कैन किया तो दोस्तों वहां आपको चैनल नॉट फाउंड पर भी यहां रुक जाएगा और आपका ब्लू स्क्रीन स्कैन वगैरह भी कुछ नहीं आएंगे। पर दोस्तों इससे भी अगर आपकी सॉल्यूशन नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके ऊपर और वीडियो बना दूंगा, उससे भी आप दोस्तों देख के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 100% प्रॉब्लम होती है तो आपके सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो अगर आपके ब्लू स्क्रीन आए तो जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया वैसे आपको करना है फॉलो, इसी सेटअप से दोस्तों आपका ब्लू स्क्रीन का आप ये सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट की जानकारी आपको मिले।